आज मैं आप लोगों को क्लास 11 इम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स का कम्युनिकेशन स्किल्स चैप्टर 1 यूनिट 1 पढ़ाऊंगा। मेरा नाम है अमित जैन। तो आइए देखते हैं यूनिट 1 में क्या है। यूनिट 1 कम्युनिकेशन स्किल्स का जो पहला पैराग्राफ है उसका टॉपिक है इंट्रोडक्शन टू कम्युनिकेशन, यानी संचार का परिचय। कम्युनिकेशन स्किल्स या संचार कौशल क्या होता है उसके लिए हम पहले द वर्ड कम्युनिकेशन या कम्युनिकेशन शब्द को समझेंगे। कम्युनिकेशन दो या दो से अधिक लोगों के बीच में की गई बातचीत होती है। दो या दो से अधिक लोगों से मतलब यहाँ पर यह है कि हो सकता है टीचर एक ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स को पढ़ा रहा हो या कोई दो दोस्त आपस में एक दूसरे से बात कर रहे हों। तो इस प्रकार दो या दो से अधिक लोगों के बीच में किए जाने वाला संप्रेषण या बातचीत कम्युनिकेशन कहलाती है। ये जो कम्युनिकेशन है इसमें कोई एक व्यक्ति अपने विचार, अपनी भावनाएं, अपने आइडियाज आदि को व्यक्त करता है दूसरे व्यक्ति के साथ, और दूसरा व्यक्ति उन विचार, भावनाओं और आइडियाज को समझकर उसका उत्तर देता है। जब तक कम्युनिकेशन में दूसरा व्यक्ति पहले व्यक्ति द्वारा की गई सारी बात को अच्छे से समझता नहीं है और उसका जवाब नहीं देता है, जब तक कम्युनिकेशन की कोई भी प्रोसेस कंप्लीट नहीं होती है, कंप्लीट नहीं होती है। हम अपनी निजी जिंदगी में रोज कभी ना कभी कैसे ना कैसे किसी न किसी रूप में किसी न किसी से बातचीत करते रहते हैं, कम्युनिकेशन करते रहते हैं। जैसे हो सकता है आप अपने दोस्त से कह रहे हो कि आप घर जा रहे हैं, इस वाक्य में आप उसको बता रहे हैं कि आप अपने घर जा रहे हैं। इसी प्रकार से किसी प्रकार की जानकारी देना, किसी प्रकार की जानकारी प्राप्त करना आदि कम्युनिकेशन के अंतर्गत आता है। जो वर्ड है कम्युनिकेशन वो एक लैटिन शब्द कम्युनिकेर से लिया गया है जिसका अर्थ होता है सूचनाओं का आदान प्रदान करना, जिसका अर्थ होता है सूचनाओं का आदान प्रदान करना। आइए देखते हैं सेकंड पैराग्राफ, संचार का महत्व, इंपॉर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन का इंपॉर्टेंस क्यों है, क्यों बातचीत करना बहुत ज़रूरी है। आप लोगों को ये पता होगा कि इस पृथ्वी पर मनुष्य एक ऐसा प्राणी है जो अपनी भावनाओं को व्यक्त करता है शब्दों के रूप में, जिससे वो अपनी भावनाओं को 100% शुद्धता के साथ व्यक्त करके अपने कार्यों को, अपने उद्देश्यों की पूर्ति करता है। कम्युनिकेशन अगर दो या दो से अधिक लोगों के बीच में नहीं होता है तो किसी कार्य को करने में दिक्कत आती है। जैसे एक छोटा बच्चा जब अपनी उसको जब भूख लगती है तो वो किसी न किसी बहाने से, किसी न किसी एक्सप्रेशन से उसकी माँ को ये पता चल जाता है कि उसको भूख लग रही है। वो बिना बोले भी कम्युनिकेशन कर पाता है। अच्छे कम्युनिकेशन के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि आपको 4 स्किल्स जो कि हैं पढ़ना, लिखना, बोलना और ठीक से सुनना, ये 4 स्किल में आप महारत हासिल करें ताकि आपका कम्युनिकेशन अच्छा हो और आप अच्छे से कम्युनिकेट करके अपनी लाइफ को जी सकें। आइए देखते हैं संचार कौशलों की आवश्यकता हमें किन किन अवस्थाओं में और किन रूपों में पड़ती है। कम्युनिकेशन स्किल्स की क्या नीड है, उनको उसकी ज़रूरत हमें कहाँ कहाँ पर पड़ सकती है। तो आइए हम देखते हैं संचार कौशल की आवश्यकता हमें क्यों पड़ती है, किन किन परिस्थितियों में पड़ती है। जैसे सूचित करना, एग्जाम्पल के लिए मीटिंग के लिए, बातचीत करने के लिए आप इन्फॉर्म करना चाहते हैं, आप जानकारी देना चाहते हैं कि कल या परसों इस संबंध में इस चीज़ के लिए बैठक आयोजित किया गया है। तो आप जानकारी देना चाहते हैं कि मीटिंग है 11 बजे से, आपको आना है उसमें। इसी प्रकार से किसी को प्रभाव डालने के लिए आपने अक्सर देखा होगा आपके माता पिता दुकानदार से मोल भाव करते हैं, जिसमें वो मोल कम करवाने के ऊपर जोर देते हैं, कुछ बातें बताते हैं उससे संबंधित, प्रोडक्ट से संबंधित या जानकारी बताते हैं, जिससे प्रभावित होकर दुकानदार कुछ हद तक रेट कम कर देता है। भावनाओं को व्यक्त करने के लिए ये कहना या दिखाना कि किसी कार्य के बारे में आप बहुत उत्साहित हैं या उसी किसी कार्य को लेकर आप खुश नहीं हैं, ऐसी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए भी हम संचार कौशल की आवश्यकता पड़ती है। आइए अब देखते हैं कि जो कम्युनिकेशन प्रोसेस होता है, जो कम्युनिकेशन जो शब्द है उसके एलिमेंट्स मतलब उसके तत्व क्या क्या हैं। इसको समझने के लिए मैं आपको एक डायग्राम के माध्यम से समझाऊंगा। यहाँ पे देखिए
यहाँ पर आपको कई चीज़ें दिख रही हैं, कई ऑब्जेक्ट्स दिख रहे हैं, जैसे सेंडर, मैसेज, रिसीवर। मुख्यतः मेन रूप से जो कम्युनिकेशन होता है वो इन्हीं ऑब्जेक्ट्स के बीच में, इन्हीं प्रोडक्ट। तो देखिए अपन शुरू करते हैं कि जो कम्युनिकेशन के एलिमेंट्स हैं वो क्या क्या हैं। आप लोग मेरे साथ दोहराइएगा, अपन इसको स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे। कम्युनिकेशन के एलिमेंट्स में जो पहला एलिमेंट होता है वो होता है सेंडर। सेंडर वो व्यक्ति जो अपने आइडियाज, फीलिंग्स या अपने इमोशंस को, यानी जो अपनी भावनाओं को व्यक्त कर रहा हो, अपने शब्दों को बता रहा हो, अपनी जानकारी को एक्सप्रेस करना चाहता हो, व्यक्त करना चाहता हो, वो व्यक्ति सेंडर कहलाता है। आम शब्दों में अपन कह सकते हैं बोलने वाला सेंडर है। सेंडर अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए किसी प्रकार का माध्यम भी इस्तेमाल करता है और वो एक संदेश किसी व्यक्ति को या व्यक्तियों के समूह को पहुंचाता है। तो सेंडर यहाँ पे वो व्यक्ति है, वो एलिमेंट है जो मैसेज बना रहा है और जो मैसेज भेजना चाहता है। तो पहला एलिमेंट हो गया कम्युनिकेशन प्रोसेस का सेंडर। जो दूसरा एलिमेंट है कम्युनिकेशन प्रोसेस का वो होता है मैसेज। वो संदेश जिसको कि पहुंचाया जाना है, जिसको कि भेजना है, संदेश आपका दूसरा एलिमेंट है कम्युनिकेशन प्रोसेस का। फिर तीसरा एलिमेंट होता है रिसीवर, प्राप्तकर्ता। ये वो व्यक्ति है जो भेजने वाले व्यक्ति द्वारा जो भी संदेश भेजा गया है उसको प्राप्त करता है, इस व्यक्ति को अपन रिसीवर कहते हैं। आइए कम्युनिकेशन प्रोसेस के एलिमेंट्स को हम थोड़ा सा और डिटेल में देखते हैं। ये देखिए इसका एक डिटेल चार्ट है। इस चार्ट में आप देखेंगे कि जो कम्युनिकेशन प्रोसेस है उसमें कुछ एलिमेंट्स ऐड हो गए हैं, जैसे इनकोडिंग, डिकोडिंग, यहाँ देखिए इनकोडिंग, डिकोडिंग, फीडबैक और नॉइस। ये जो सारे एलिमेंट्स हैं ये कम्युनिकेशन प्रोसेस के एलिमेंट्स कहलाते हैं, कम्युनिकेशन एलिमेंट्स कहलाते हैं। इनको डिटेल में समझने के लिए चलिए आइए देखते हैं कि किस प्रकार से कोई संदेश एक व्यक्ति से, प्राप्तकर्ता से दूसरे व्यक्ति, रिसीवर तक पहुंचता है। जैसे सेंडर के मन में कोई एक आइडिया आया, उस आइडिया को उसने इनकोड करा। इनकोड करा मतलब उसको संक्षिप्त शब्दों में उसको कन्वर्ट कर लिया, या फिर एनालॉग टू डिजिटल या डिजिटल टू एनालॉग फॉर्मेट में कन्वर्ट कर लिया। वो इनकोडेड मैसेज जो है संदेश के रूप में रिसीवर तक जाता है और रिसीवर के पास पहुंचने से पहले डिकोड किया जाता है। तो जो एक सिंपल कम्युनिकेशन प्रोसेस है वो होती है सेंडर से रिसीवर के बीच में, जिसमें मैसेज भी एक पार्ट होता है। ये रिसीवर जब उस जानकारी को जो कि सेंडर ने भेजा है उसको जब ये रिसीवर प्राप्त कर लेता है तो वो अपना एक फीडबैक देता है। ये देखिए एक फीडबैक दे रहा है वो। इस फीडबैक का जो प्रतिशत रहता है, अगर 100% फीडबैक मिला है तो मतलब सेंडर ने जिस उद्देश्य के साथ जो मैसेज रिसीवर तक पहुंचाया था वो रिसीवर ने अच्छे से समझ लिया है, 100% समझ लिया है और उसने वैसा ही उसको रिप्लाई किया है। ये होता है कम्युनिकेशन प्रोसेस के एलिमेंट्स। कम्युनिकेशन प्रोसेस के एलिमेंट्स को एक फैक्टर है नॉइस, जो अफेक्ट करता है, उसको प्रभावित करता है। नॉइस कई रूप में हो सकता है, जैसे आप फोन पर किसी से बात कर रहे हो, साइड से कोई गाड़ी निकल के जा रही हो, आपने उनको टाइम बताया हो और गाड़ी के हॉर्न बजने की वजह से या गाड़ी के साइड के निकलने की वजह से जो रिसीवर है उसको सही से समझ में कोई बात नहीं आई हो और वो आधा घंटा या एक घंटे पहले किसी जगह पर चला गया हो मिलने के लिए। तो इस प्रकार से देखा जाए तो ये कम्युनिकेशन प्रोसेस के एलिमेंट्स हैं। इसको और डिटेल व्यू में देखते हैं। यहाँ देखेंगे आप, यहाँ पर एक मीडियम जुड़ गया है, चैनल। चैनल एक माध्यम जुड़ गया है, एक नया एलिमेंट यहाँ पर ऐड किया है। ये वाला डायग्राम जो है ये फाइनलाइज्ड डायग्राम है, ये कंप्लीट प्रोसेस शो करता है एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशंस के। तो कम्युनिकेशन के एलिमेंट्स में जो पहला एलिमेंट है वो है सेंडर, दूसरा एलिमेंट होता है इनकोडिंग या इनकोडर, तीसरा एलिमेंट होता है मैसेज, चौथा एलिमेंट होता है चैनल,
पांचवा एलिमेंट होता है डिकोडिंग, छठा एलिमेंट होता है रिसीवर, सातवां एलिमेंट होता है फीडबैक, और इन सारे एलिमेंट्स को अफेक्ट करने वाला एक एलिमेंट होता है नॉइस। इस प्रकार से कम्युनिकेशन प्रोसेस में ये 8 एलिमेंट होते हैं। बेसिकली हम इनको 7 एलिमेंट्स के रूप में देख सकते हैं, क्योंकि जो नॉइज़ एक फैक्टर है जो आपके कम्युनिकेशन को अफेक्ट करता है, प्रभावित करता है। तो चलिए मैं आपको इसको एक एग्जांपल के साथ समझाता हूँ कि किस प्रकार से एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन का यूज़ हम अपने डे टू डे लाइफ में करते हैं। आप लोग मोबाइल यूज़ करते हैं, मोबाइल एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो कि डिजिटल सिग्नल पर काम करता है, और आप जो बोलते हैं एक प्रकार से आपकी जो आवाज़ है वो एक एनालॉग सिग्नल होता है। तो सेंडर के मन में जो भी विचार आता है उसको जब वो एक्सप्रेस करना चाहता है शब्दों के रूप में मोबाइल पर किसी और व्यक्ति से, अब एक मोबाइल पर आप यहाँ पर हैं, दूसरा व्यक्ति कहीं और है जो आपकी बात को रिसीव कर रहा है, तो सेंडर और रिसीवर के बीच में क्या क्या एलिमेंट्स हैं अपन उसको समझते हैं। सेंडर जब अपने कान के पास मोबाइल लगाता है तो वो एनालॉग सिग्नल्स को सेंड करता है मोबाइल के माइक में, माइक उन सिग्नल्स को एक्सेप्ट करता है और उसको कन्वर्ट करता है, इनकोड करता है, इनकोडिंग करता है, और एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट करता है। एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट करने के बाद मोबाइल आपका सैटेलाइट के माध्यम से उन सिग्नल्स को ट्रांसफर करता है, आपका जो भी मैसेज होता है उसको ट्रांसफर करता है। यहाँ पे ये जो ट्रांसफर हो रहा है सैटेलाइट के माध्यम से, वो सैटेलाइट यहाँ पर क्या है, चैनल है, आपका माध्यम है ना। इस चैनल के माध्यम से, सैटेलाइट के माध्यम से अब आपका जो मैसेज है जो कि डिजिटल फॉर्मेट में कन्वर्ट हो गया है वो रिसीवर के मोबाइल पर जाता है, और रिसीवर के मोबाइल पे जैसे ही वो फोन रिसीव करता है वो डिजिटल जो सिग्नल है वो वापस डिजिटल सिग्नल से एनालॉग सिग्नल में कन्वर्ट होते हैं और स्पीकर के थ्रू रिसीवर तक पहुंच जाते हैं। तो डिजिटल सिग्नल जब एनालॉग सिग्नल में कन्वर्ट हो रहे हैं तो उस प्रोसेस को हम बोलेंगे डिकोडिंग, और एनालॉग सिग्नल जब डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट हो रहे हैं तो उस प्रोसेस को हम बोलेंगे इनकोडिंग। इस प्रकार से सैटेलाइट जैसे चैनल का उपयोग करके हम सेंडर से रिसीवर तक इनकोडिंग और डिकोडिंग एलिमेंट्स का यूज़ करके किसी मैसेज को रिसीवर तक पहुंचा सकते हैं, और रिसीवर जब उन मैसेज को प्राप्त कर लेता है और उसका जितना अच्छा फीडबैक आता है 90%, 98%, 100% जैसा फीडबैक रहता है, उससे रिसीवर अपना व्यक्तित्व एक्सप्रेस करता है सेंडर की तरफ कि उसने वो सारी बातें अच्छे से सुन ली हैं, समझ ली हैं, और सेंडर उसके आधार पर फिर कुछ एक नया मैसेज भेज सकते हैं। नॉइस फैक्टर मैंने आपको इस मेथड में बता दिया है कि नॉइस किस प्रकार से अफेक्ट करता है कम्युनिकेशन प्रोसेस को। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक अपना क्या है, संचार के स्वरूप, पर्सपेक्टिव्स इन कम्युनिकेशन। स्वरूप या विचार या दृष्टिकोण अथवा विचार करने के लिए निश्चित तरीके होते हैं। कभी कभी क्या होता है कि हमारा जो दृष्टिकोण होता है किसी चीज़ को लेकर, हमें जो पहले से जो धारणा बनी रहती है किसी बात को लेकर, किसी चीज़ को लेकर, वो हमारे कम्युनिकेशन को अफेक्ट करती है। जैसे आम जीवन में, एक आम स्टूडेंट के जीवन में ऐसा भी होता है, या एक आम पुत्र के जीवन में ऐसा रहता है कि उसके पिता या उसके शिक्षक सख्त होते हैं थोड़ा, हालांकि वो मित्र की तरह होते हैं लेकिन वो सख्त होते हैं, कई बार वो आपको डांट देते हैं। तो ये आप ऐसा सोच सकते हैं कि मैं उनसे ये बात करूं या नहीं करूं, हो सकता है मेरे पिताजी मेरे को डांट दें, बर्थडे पर आप उनसे गिफ्ट लेना चाहते हैं और बर्थडे पर वो आपके पिताजी अभी आपको गिफ्ट मन से ला के दे देते हैं, लेकिन आपको जो गिफ्ट चाहिए था वो आप नहीं लेते हैं क्योंकि आपके मन में एक बात थी, हो सकता है मेरे पिताजी मेरे को डांट दें, या आप उनसे ये कहना चाहते हो कि मुझे साइकिल चाहिए थी और आपके पिताजी ने आपके लिए कोई एक दूसरा गिफ्ट लेकर आए हों। इस प्रकार से हमारा जो दृष्टिकोण है वो कम्युनिकेशन प्रोसेस को अफेक्ट करता है। ऐसे कई सारे फैक्टर्स हैं, ऐसे कई सारे तत्व हैं जो संचार के स्वरूपों को प्रभावित करते हैं, ऐसे कई प्रकार के कारक हैं जो संचार के स्वरूप को अफेक्ट करते हैं। आइए देखते हैं, भाषा सबसे पहला जो कारक है उसका वो है भाषा, दूसरा है दृश्य अनुभूति, तीसरा है पूर्व अनुभव, चौथा है पूर्व धारणा, पांचवा है भावनाएं, छठा है पर्यावरण, सातवां है व्यक्तिगत कारक, और आठवां है संस्कृति। तो ये कुछ कारक हैं जो हमारे संचार के विभिन्न स्वरूपों को प्रभावित करते हैं। जैसे भाषा,
गलत शब्दों, अपरिचित भाषा के उपयोग और विवरण की कमी के मामले में भाषा उस संदेश के संचार में बाधक के रूप में काम कर सकती है जिसे कोई व्यक्ति संचार करना चाहता है। उदाहरण के लिए, भाषा उस समय बाधक बनती है जब एक भारतीय जो केवल हिंदी जानता है और एक चीनी नागरिक जो केवल मंदरिन भाषा ही जानता है वो एक दूसरे से बातचीत करना चाहते हों, क्योंकि दोनों की ही अपनी अपनी मातृभाषा है और दोनों ही अलग अलग हैं, वो दोनों एक दूसरे की भाषाओं को नहीं जानते हैं। तो यहाँ पर भाषा एक ऐसा कारक है जो उन दोनों के बीच में होने वाले कम्युनिकेशन प्रोसेस को अवरोध करता है। दूसरा कारक है वो दृश्य अनुभूति है। लोगों या परिस्थितियों के दिखावट के आधार पर परखना कि वे कैसे दिखाई देते हैं या वो कैसे हैं, इसके आधार पर भी कई लोगों के बीच में कम्युनिकेशन गैप हो जाता है। हो सकता है कोई व्यक्ति थोड़े बहुत फटे कपड़े पहना हुआ है तो वो आप उसको गरीब समझ सकते हैं। हो सकता है वो कोई सीबीआई या सीआईडी का आदमी हो जो किसी बात पर या किसी प्रोसेस पर निगरानी रख रहा हो, है ना। जो तीसरा जो कारक है वो है पूर्व अनुभव। हमारे पिछले अनुभवों की यादें हमें समझने अथवा संचार को स्पष्ट रूप से संप्रेषित करने से रोकती हैं। जैसे एक दुकानदार ने पिछली बार आपको लूटा था, अगली बार आप उससे सावधान रहना चाहेंगे। इस प्रकार के कई पहले पास्ट एक्सपीरियंस भी आपको कम्युनिकेट करने से रोकते हैं। आपका जो अगला कारक है, अगला जो फैक्टर है वो है पूर्व धारणा। आप किसी व्यक्ति या किसी चीज को लेकर पहले से कोई धारणा बना लेते हैं जिसकी वजह से आपका कम्युनिकेशन प्रोसेस में अवरोध होता है। जैसे पूर्व निर्धारित विचार, जैसा कि ये सोचना कि कक्षा में मुझे कोई पसंद नहीं करता है, ये धारणा किसी भी छात्र को कक्षा में सार्वजनिक रूप से संचार करने से रोक सकती है। इसके बाद का जो नेक्स्ट अपना कारक है वो है भावनाएं। हमारी भावनाएं और भाव जैसे कि रुचि की कमी अथवा अन्य लोगों पर भरोसा न करना संचार को प्रभावित करता है। उदाहरण के लिए, मैं दुखी हूं, मुझसे बात नहीं करें, इस तरह की कई फीलिंग्स भी आपको कम्युनिकेशन करने से रोकती हैं। पर्यावरण, एनवायरनमेंट भी एक ऐसा फैक्टर है जो कम्युनिकेशन के प्रोसेस में कहीं ना कहीं अवरोध या बाधा डालता है। आसपास शोर शराबा अथवा उपद्रव होने से संचार मुश्किल बन सकता है। उदाहरण के लिए, सड़क पर चलते समय बोलने आप बात कर रहे हैं, बात करते करते बात से गाड़ी निकल जाए, हॉर्न बज रहे हैं, तो आप जो बात कर रहे हैं वो आप कई बार डाइवर्ट हो जाते हैं, कुछ और बात भूल जाते हैं। इस प्रकार से भी एनवायरनमेंट भी कई बार हमारे कम्युनिकेशन फैक्टर्स को अफेक्ट करता है। कई पर्सनल फैक्टर्स होते हैं, व्यक्तिगत कारक होते हैं, जैसे आपकी अपनी भावनाएं, आपकी अपनी आदतें, आपके अपने सोचने के तरीके आदि भी आपके कम्युनिकेशन प्रोसेस को अफेक्ट कर सकते हैं और आपको कम्युनिकेशन डिफिकल्ट बना सकते हैं। जो नेक्स्ट कारक है वो है संस्कृति, जिसे कल्चर। संकेत जिनके अलग अलग संस्कृतियों में अलग अलग अर्थ होते हैं, जैसे कि कुछ लोगों के लिए अंगूठा दिखाने का अर्थ होता है बढ़िया काम, परंतु कुछ लोगों के लिए अपमानजनक हो सकता है। तो अलग अलग संस्कृति के लोग अलग अलग चीज़ों में, अलग अलग सिचुएशंस में किसी एक संकेत को अलग अलग समझ सकते हैं, जिससे कम्युनिकेशन में बैरियर हो सकता है। अच्छे कम्युनिकेशन के लिए, इफेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए आपको कुछ मूलभूत सिद्धांत हैं, कुछ बेसिक प्रिंसिपल्स हैं, जिनको अगर आप अच्छे से उनके कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं तो आपका जो कम्युनिकेशन है बहुत इफेक्टिव हो जाएगा, बहुत प्रभावी हो जाएगा। आप जिससे भी बात करेंगे वो आपसे बहुत प्रभावित होगा और आपके कार्य, आपके काम बहुत आसानी से पूर्ण हो जाएंगे। इस इफेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए आपके सिलेबस में 7 C's की धारणा को प्रस्तुत किया गया है। 7 C यहाँ पर वो सात शब्द हैं जो सारे लेटर सी से स्टार्ट होते हैं, जैसे क्लियर, कॉन्साइज, कॉन्क्रीट, करेक्ट, कोहेरेंट, कंप्लीट और कॉर्टियस। इनका हिंदी अर्थ होता है स्पष्ट, संक्षिप्त, यथार्थपूर्ण, ठीक, सुसंगत, पूर्ण और श्रेष्ठ। आइए देखते हैं क्लियर, कॉन्साइज, कॉन्क्रीट, करेक्ट, कोहेरेंट, कंप्लीट और कॉर्टियस जैसे 7 C's के इस्तेमाल करके आप अपने व्यवहारिक जीवन में किस प्रकार से किसी कम्युनिकेशन को इफेक्टिव बना सकते हैं। स्पष्ट, आप जो भी कम्युनिकेशन करना चाह रहे हैं वो आपका स्पष्ट होना चाहिए, जैसे आप जो कहना चाहते हैं सिर्फ उसके बारे में स्पष्ट रहें।
आसपास की भी बातें अगर आप अपने कम्युनिकेशन में करते हैं तो वो कम्युनिकेशन के लेंथ को बढ़ाता है, सामने वाले का ध्यान और इंटरेस्ट उसमें कम होता है। तो आपको जो बात कहनी है वो स्पष्ट रूप से कहें। दूसरा जो सी है वो है कॉन्साइज। कॉन्साइज मतलब संक्षिप्त। संक्षिप्त शब्दों का उपयोग करें और केवल वही कहें जो आवश्यक है, सिर्फ इंपॉर्टेंट बात ही कहें, इधर उधर की बातें ना कहें। जो तीसरा जो शब्द है वो है कॉन्क्रीट। कॉन्क्रीट मतलब ठोस, यथार्थपूर्ण। यथार्थपूर्ण शब्दों और वाक्यांशों का उपयोग करें। तथ्य और चित्रों का उपयोग करें। तथ्य और चित्र का उपयोग करके जो मेन फैक्टर्स हैं उनको आप प्रेजेंट करें ताकि आपका कम्युनिकेशन इफेक्टिव रहे। नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट है, करेक्ट, ठीक, सही वर्तनी भाषा और व्याकरण का उपयोग करें। अगर आपकी भाषा सही है, आपके जो भाषा आप बोल रहे हैं उसकी व्याकरण सही है, तो आपका कम्युनिकेशन इफेक्टिव होगा। इसके बाद का जो नेक्स्ट फैक्टर है वो है कोहेरेंट। कोहेरेंट मतलब सुसंगत। आपके शब्दों का अर्थ होना चाहिए और मुख्य विषय से सम्मिलित होना चाहिए। आप जो भी कम्युनिकेशन कर रहे हैं वो आपके मेन टॉपिक से रिलेटेड होना चाहिए, तभी आपका जो कम्युनिकेशन है वो इफेक्टिव होगा। पूर्ण, कंप्लीट यानी पूर्ण। आपके संदेश में सभी आवश्यक जानकारी होना चाहिए, उसमें किसी प्रकार का कोई बात या कोई बातें नहीं छूटना चाहिए जिससे कि किसी प्रकार की कोई दिक्कत या गड़बड़ी ना हो। शिष्ट यानी कोर्टियस यानी सम्मानजनक, मित्रवत और ईमानदार रहने की कोशिश करें अपने कम्युनिकेशन में ताकि सामने वाले को भी सम्मान मिले और वो आपकी बातों पर इंटरेस्ट लेकर आपको समझे और आपको फीडबैक दे। इस प्रकार सेवन सीज जो हैं वो इफेक्टिव कम्युनिकेशंस के लिए यूज किए जाते हैं। चलिए आइए अब मैं आपको वाधवानी फाउंडेशंस द्वारा तैयार किए गए एक छोटे से वीडियो को बताता हूँ, जिससे आपको ये समझ में आएगा कि किस प्रकार इफेक्टिव कम्युनिकेशंस के उपयोग करके आप अपने कार्य को व्यवस्थित तरीके से पूर्ण कर सकते हैं। जैसे कि ये कहानी है छोटे से भेड़, मुर्गी, भालू और एक कुत्ते की। इसमें आप देखेंगे कि एक दिन एक कुत्ता मुर्गी और भेड़ के पास आता है और उनसे कहता है कि क्या तुम्हें पता है कि भालू ने एक ऐसी लिस्ट बनाई है जिसका उपयोग करके जिसमें वो कौन कौन से जानवरों को खाने वाला है उसमें उसका नाम लिखा है। ये बात सुनकर मुर्गी भालू के पास जाती है कि मैं उससे बात करती हूँ और उसके पास जाकर उससे सवाल पूछती है। यहाँ आप देखेंगे कि मुर्गी बोलती है, हे भालू, क्या ये सही है कि मेरा नाम उस सूची में है जिसमें तुम जानवरों को खाना चाहते हो? तो भालू कहता है, हाँ, तुम्हारा नाम उस लिस्ट पे है। हाँ, मैंने एक ऐसी सूची बनाई है। मुर्गी पूछती है, क्या मेरा नाम उस सूची में है? तो भालू कहता है, हाँ, तुम्हारा नाम उस सूची में है। और भालू उस मुर्गी को खा जाता है। अगले दिन भेड़ भालू के पास जाता है उससे ये पूछने के लिए कि क्या मेरा नाम उस सूची में है। आइए देखते हैं। भालू के पास जाके भेड़ पूछता है कि भालू, क्या ये सही बात है कि तुमने एक लिस्ट बनाई है जानवरों की जिनको तुम खाना चाहते हो? तो भालू कहता है, हाँ, मैंने बनाई है। क्या मेरा नाम उस सूची में है? भेड़ कहता है। तो भालू कहता है, हाँ, तुम्हारा नाम उस सूची में है। और भालू उसको खा जाता है। अगले दिन एक कुत्ता भालू के पास जाता है और उससे कहता है, हे बियर, हे भालू, क्या मैं तुम्हारी लिस्ट में हूँ? तो भालू कहता है, हाँ, तुम मेरी लिस्ट में हो। क्या, कुत्ता कहता है, क्या तुम मेरा नाम उस लिस्ट से हटा सकते हो? तो भालू कहता है, हाँ, कोई दिक्कत नहीं, मैं तुम्हारा नाम उस लिस्ट से हटा दूंगा। तो यहाँ आपने इस छोटे सी पोएम को, कविता को देख के, सॉरी, एक कहानी को देखकर ये समझा कि किस प्रकार कम्युनिकेशन बहुत जरूरी है हमारे डे टू डे लाइफ में और किस प्रकार इफेक्टिव कम्युनिकेशन का इस्तेमाल करके स्पष्ट, संक्षिप्त, यथार्थपूर्ण, ठीक
पूर्ण शब्दों का इस्तेमाल करके उस कुत्ते ने भालू से अपनी जान बचाई। आज के लिए इतना ही, थैंक्स।